कोलकाता में अब से थोड़ी ही देर पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीबीआई टीम ने कुल घोटाले को लेकर एक लंबी पूछताछ की है। आज सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी भतीजे से मिलने उनके घर पहुंची, 15 मिनट तक मुलाकात की। कोल घोटाले और सीबीआई जांच को लेकर बंगाल की सियासत लगातार गर्म है। टीएमसी इसे बदला बता रही है तो बीजेपी जांच का नाम दे रही है। बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्तर पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन जिन को भी चिट्ठी गया है उन लोगों को खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय वो भी दूर करना चाहिए। सीबीआई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन हैज फाउंड आउट द रिलेशंस बिटवीन दोज क्रिमिनल्स, दोज कोल माफियाज, दोज कैटल स्मगलर्स विथ द रूलिंग पार्टीज पॉलिटिकल अपार्टी। एक ट्वीट किया है, उसमें अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड माउंड इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहाँ उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है। तो हाथे एजेंसी गुलो आछे जारा जादेर कोरा चोर बोले छिलो, जादेर भाग बोले छिलो, तादेरी तो देखछी ओदेर मंत्रीदेर पाशे पाशे घुरे बेड़ाच्छे। তা মানুষ সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে, এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ এ বেসলেস অ্যালিগেশন, দ্যাট ইজ এ বেসলেস অ্যালিগেশন। জো ভি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিস হ্যায় ও আপনা কাম করতে হ্যায়, সরকার হর দিন হর বিষয় হর প্রান্ত কা কোই হম উসমে হাত নেই লাগাতে। বিজেপি ইজ লেফট উইথ নো অ্যালাইজ, আকালি দল ইজ লেফট, other people have left, so their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. सुरागिनी मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरागिनी, कल बातचीत जो पूछताछ हुई थी सीबीआई की रुचिरा की बहन के साथ, मेनका के साथ, वो 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए, आज यहाँ पर 1.5 घंटे तक हुए। टीएमसी लगातार आरोप ये लगा रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है एजेंसियां स्वतंत्र हैं अपने काम करने में। लेकिन नवजोत, अगर हम इस पर्टिकुलर विषय के बारे में बात करें तो यहाँ पे करीबन 1.5 घंटे की पूछताछ हुई है सीबीआई की 2 टीम्स के साथ और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के साथ। और अगर आप जो सवाल पूछ रहे हो कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। सीबीआई ईडी इन एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल नेताओं को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। ऐसा दावा तृणमूल आज से नहीं, बहुत टाइम से ये लोग करते आए हैं। ये इन दावों में अगर हम देखें, किसी छोटे मोटे नेता ने ये दावे नहीं किए हैं, अभिषेक बनर्जी ने किए हैं, फिलहाल हाकिम ने किए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये दावे किए हैं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आता है तब देखा जाता है कि ईडी सीबीआई इन सेंट्रल एजेंसी यहाँ से निकल रहे हैं अभी। ये लाइव सूर्य नजर आप बना रहे कि मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्य मेरे से जानकारी हमें दे रहे थे।